हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रहेगी। टॉपिक रहेगा कि हम एक रफ डेटा को एक टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। टोटली ब्लैंक डॉक्यूमेंट है आपके सामने, डेटा यहाँ पर ही क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ही उसको फिर कन्वर्ट करेंगे इंटू ए टेबल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक रफ डेटा ले लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, विनायक तिंगलू। मोबाइल नंबर एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एड्रेस जम्मू JNK। दूसरा भी कुछ इसी तरीके से ले लेते हैं, जैसे लाइक परवीन कुमार। रैंडम नंबर फिर से ले लेते हैं, ले लेते हैं कठुआ JNK, राइट। थर्ड भी ऐसे ले लेते हैं, जैसे लाइक प्रकाश सिंह। मोबाइल नंबर फिर रैंडम नंबर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एक ले लिया। इसका ले लेते हैं जस्ट लाइक रियासी JNK। और लास्ट एक और ले लेते हैं, चार काफ़ी रहेंगे, और एक ले लेता हूँ मैं विकास, विकास शर्मा। नंबर ले लेते हैं, ये भी एक रैंडम नंबर ही ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, और इसका एड्रेस लेते हैं सांबा JNK। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा डेटा है जो रफली मैंने टाइप कर दिया, पर मुझसे कहा जाता है कि भाई इसको आपने इस तरीके से नहीं, एक गुड वे में रखना था, आपको इसको टेबल में रखना था। जस्ट लाइक नेम अलग अलग, मोबाइल नंबर अलग, किस स्टेट को किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं वो अलग, ऐसे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपली क्या काम करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मान के चलते हैं यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करके एक पैरा दिया होगा या आपने कुछ स्पेसेस दी होंगी, तो ये चीज़ आपने सबसे पहले क्लियर करनी है, जिसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के अगर इस तरीके से लाएंगे तो आपकी वो स्पेस ख़त्म हो जाती है नॉर्मली नॉर्मली, अगर आपके ऐसे एरर्स होंगे। अगर इससे ज़्यादा एरर्स होंगे तो फिर उसमें आपको कैरेट साइन का यूज़ करके उनको रिमूव करना पड़ता है, उनके बारे में कभी और बात करेंगे, अदरवाइज हमारी जो वीडियो वो लेंथी हो जाएगी। अभी के लिए मैं कंट्रोल ए करूँगा, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। एक शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे जो होगी Alt+N+T+V। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप इंसर्ट से टेबल में जाके यहाँ पे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+N+T+V। तो आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ओपन हो जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, इंसर्ट में आपको टेबल पे जाके मिलेगा, शॉर्टकट की भी मेरे आपके साथ शेयर कर ली। यहाँ पे आपने क्या काम करना होता है, आपने यहाँ पे अदर्स पे रखना होता है, आप अदर्स पे ले जाएंगे। अदर्स पे ले जाने के बाद आप यहाँ पे सिंगल स्पेस देंगे, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है स्पेस की मदद से एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, क्योंकि आपने ना इधर कॉमास का यूज़ किया है ना फुल स्टॉप का, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं दिया है ना फॉरवर्ड स्लैश ना बैकवर्ड स्लैश, आपने स्पेस का यूज़ किया, इसलिए यहाँ पर भी हम स्पेस का ही यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद सिंपली हम ओके करेंगे, तो हमारा डेटा देखिए ऑटोमेटिकली आपके सामने अलग अलग सेपरेट होकर आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आएंगी, वो ये कि अब आपको ऊपर इसकी डिटेल लिखनी है, जस्ट लाइक नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे, अगर आपका ऑफिस 2021 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तो आपके सामने प्लस का साइन आता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप सिंपली बाहर जाके क्लिक करके यहाँ इंसर्ट से भी इंसर्ट रो एबो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगी, ये एक चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जस्ट लाइक मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ पे बीच में आया था मेरे, अब आप इसको कट पेस्ट करके इसमें नहीं डालेंगे, आप सिंपली यहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक करेंगे, आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे और अप एरो को क्लिक करेंगे तो आपकी रोज मूव होती हैं अप एंड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल नंबर, या आ गया डिस्ट्रिक्ट, और या आ गई यूटी, राइट। ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब मान के चलते हैं कि आपको मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि आपसे कहा जाता है यार ये दो नाम एक जगह रखो, ये दो नाम अलग कर दो, तो आप क्या काम करेंगे, ये भी आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपको एक ही पेज पे दोनों को लाना है, यानी कि विनायक परवीन प्रकाश विकास सेपरेट ज़रूर करने हैं पर एक ही इधर ही पास में ही होने चाहिए, तो आप ये काम करेंगे, आप इस सिलेक्ट डेटा की सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो करेंगे तो ये आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है।
हेडिंग कैसे देनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर फिर से जोड़ना होगा आप ऊपर ले लीजिए, ये फिर से जुड़ जाएगा। और अगर आपको ये दूसरे पेज पे लाना है तब आप यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए एंटर की को हिट करेंगे तो ये ब्रेक होकर सेकंड पेज पे आ जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।